जय श्री श्याम। उम्मीद करती हूँ आप और आपका परिवार स्वस्थ और कुशल मंगल होगा। बाबा श्याम की कृपा सदा आप सभी श्याम भक्तों पर बनी रहे। श्याम भक्तों, श्याम नाम वह नौका है, आप बस एक बार सवार हो जाते हैं, प्राण भले ही निकल जाते हैं पर आपका उतरने का मन नहीं करेगा। जो आनंद की अनुभूति होने लग जाती है उसके बाद सांसारिक इच्छाएं अपने आप समाप्त होने लग जाती हैं। मन तो केवल श्याम बाबा से मिलने का करने लग जाता है। श्याम नाम ही प्रेम का है। लोग बताते हैं कि हमने इतना नाम जपा है तब कितने दिनों में हमारा ये काम बनेगा, हमारी जो इच्छाएं हैं वो पूरी हो जाएं। जो भी गुरु संत जन आपको नाम जपने के लिए बोलते हैं तब वो केवल प्रभु को पाने के लिए ही बोलते हैं। मनुष्य इस संसार में शादी करके सिर्फ बच्चा पैदा करना ही एक लक्ष्य नहीं है। मनुष्य को इस संसार में आकर भगवत प्राप्ति करनी है और भी अनेक कार्य करने हैं। जब हम प्रभु की शरणागति कर लेते हैं तब उनकी कृपा से हमारे सांसारिक कार्य तो अपने आप ही बनने लग जाते हैं। यह उसी तरह है जब हम बाजार में जाते हैं तब दुकानदार बोलता है दो शर्ट के साथ एक शर्ट फ्री है। उसी तरह जब हम भगवत मार्ग के लिए रास्ते पर चलने लग जाते हैं तब सांसारिक कार्य तो मुफ्त में हो जाते हैं। इसीलिए तो बोलती हूँ सांसारिक कामनाओं को छोड़कर केवल और केवल भगवत प्राप्ति के रास्ते पर चलना चाहिए जिससे कि आपका उद्धार हो सके। भाव और विश्वास के साथ नाम जप करो जिससे मनुष्य के लोक और परलोक दोनों ही सवर जाएं। आज की जो सत्य कहानी सुनाने वाली हूँ जो श्याम बाबा की कृपा को लेकर आया है और निरंतर उस पर बाबा श्याम की कृपा बरस रही है, तब इस सत्य कहानी को पूरा जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मेरा नाम राधा है, मैं यूपी की रहने वाली हूँ। मेरे तो जीवन का ही आधार श्याम नाम है। आज मैं जो कुछ हूँ वो सब श्याम नाम की कृपा का ही फल है। जब मेरी मम्मी गर्भवती थी तब उस समय हमारे घर पर एक साधु आए थे। मेरे माता पिता ने उनका सत्कार किया तब उन्होंने कहा कि बहन जी, माता जी, आप गर्भ अवस्था में हो तब आप प्रभु के पावन नाम का जप किया करो, तब तुम्हारा बच्चा प्रभु की कृपा को लेकर ही इस दुनिया में आएगा। जिसके बाद मेरी मम्मी निरंतर श्याम नाम का जप किया करती थी क्योंकि हमारे कुल के देवता ही श्याम बाबा हैं, हमारे घर में उनकी ही मान्यता है। वैसे हम हरियाणा के एक गांव के रहने वाले थे पर मेरी मम्मी यूपी की रहने वाली थी और मेरी मम्मी के कोई भाई नहीं था। तब हम मम्मी के मायके में ही रहते हैं, तब मेरी मम्मी हमेशा श्याम श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, ओम श्री श्याम देवाय नमः मंत्र का जाप करती रहती थी। तब मेरे पिताजी ने भी उनका काफी साथ दिया था। निरंतर श्याम नाम जप का परिणाम ये हुआ कि डॉक्टर ने बोला था कि ये डिलीवरी नॉर्मल नहीं हो सकती है, ऑपरेशन करना पड़ेगा, लेकिन श्याम नाम ने चमत्कार किया और मेरी मम्मी की नॉर्मल डिलीवरी हुई और मेरा जन्म हुआ। मुझे बचपन से ही श्याम नाम से बेहद ही प्रेम था। जब मैं 10 वर्ष की थी तब मेरी मम्मी का देहांत हो गया था। मेरे पापा जी, दादाजी, दादी और मैं ही घर पर रह गए। मैं बाबा श्याम की ही भक्ति करती थी, उन्होंने मुझे कभी निराश नहीं किया। मुझे जब जब जिस जिस चीज़ की ज़रूरत होती थी वो मुझे मिल जाया करता था। जब मैं 19 वर्ष की हुई तब मेरे पिताजी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हुई थी, हर तरह का इलाज करवाया किंतु उनकी तबीयत में कोई सुधार नहीं हो रहा था, उनकी हालत और ज़्यादा बिगड़ती जा रही थी। हाल ये हो गया था कि कभी भी कुछ भी हो सकता था। तब मैंने घर के मंदिर में जाकर बाबा श्याम से प्रार्थना करी। सब लोग बोलते थे कि मेरे साथ खाटू वाले की कृपा है, मेरा नाम जब भी निरंतर चलता रहता है। तब मैंने बोला, हे खाटू वाले, क्या मेरे पापा जी ठीक नहीं होंगे, मुझे उनकी ज़रूरत है,
मेरी मम्मी को आपने बुला लिया, कोई बात नहीं। अगर आप मेरे पापा जी को बुला लोगे तो मेरा क्या होगा, मेरे दादी दादा का क्या होगा, उनके सहारे तो हम सब जी रहे हैं। मुझ पर कृपया कर दो बाबा श्याम। यह बोलकर मैं उनके चरणों में बहुत देर तक बैठी रही। मुझे घर के मंदिर में कब नींद आ गई मुझे पता ही नहीं चला। तब मैंने देखा कि बाबा श्याम मेरे पास हैं। बाबा श्याम मेरी तरफ मुस्कुरा रहे हैं और बोले, तू चिंता मत कर, सब कुछ ठीक होगा, निराश नहीं होना है। बस 4-5 दिनों में जैसे चमत्कार ही हो गया। मेरे पापा जी की तबीयत में अचानक से सुधार आना शुरू हो गया। जो दवाइयाँ काम नहीं कर रही थी वो सारी दवाइयाँ काम करने लगी और मेरे पिताजी बहुत जल्दी पूरी तरह से ठीक हो गए। श्याम नाम ने मेरे जीवन में मुझे सब कुछ दिया है। मुझ पर मेरे खाटू वाले की बहुत कृपा है। एक बार मेरे पापा जी के खिलाफ उनके साथ के लोगों ने एक साजिश रची थी, क्योंकि मेरे पापा जी गवर्नमेंट नौकरी करते थे। मेरे पापा जी कभी भी रिश्वत नहीं लिया करते थे, जिसके कारण और लोग भी रिश्वत नहीं ले पाते थे। मेरे पिताजी बहुत परेशान थे। वो बोलते थे कि मैंने अपने जीवन में कभी किसी को कष्ट नहीं दिया, कभी गलत काम नहीं किया, तब मुझे क्यों फंसाया जा रहा है। दुनिया कहती है, उस दिन वो बहुत दुखी बाबा थे। बोलता नहीं। तब मैंने खाटू वाले से बोला, मैंने 19 साल में पता नहीं कितने प्रेमी देखे मेरे हैं। पापा जी बहुत दुखी जो पागलों की तरह इसके दरबार में खड़े रहते हैं, रोते रहते हैं और कुछ ना कुछ बड़बड़ाते रहते हैं। 4-5 दिन के बाद ही जो लोग मेरे पिताजी को फंसा रहे थे वो ही उल्टा फंस गए। बाबा श्याम ने पल पल पर मेरा साथ दिया है। 2023 में मेरे पिताजी ने मेरी शादी कर दी। मेरे पति बैंक में नौकरी करते हैं। मेरे पास एक बच्चा है। मेरा नाम जप निरंतर चलता रहता है। बाबा श्याम की कृपा से सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। मुझे अपने जीवन से कोई शिकायत नहीं है। जब मेरी मम्मी का देहांत हुआ था, जब से मुझे बाबा श्याम ने ही संभाला है। मुझे कभी भी माँ की ममता की कमी नहीं होने दी है। दीदी, जब मैंने आपका चैनल देखा तब मैं बहुत खुश हुई, क्योंकि इस चैनल पर मेरे खाटू वाले की महिमा ही महिमा है। उनकी सत्य कहानी है जो भक्तों के साथ घटित हो रहा है, जो महिमा मैंने अपने पूरे जीवन में देखी है। श्याम नाम का जप करने से भक्तों के जीवन के दुख दूर हो रहे हैं। उसके साथ वो बाबा श्याम के करीब होते जा रहे हैं। सभी को श्याम नाम का जप करना चाहिए, जिससे सबको पता चल सके कि श्याम नाम क्या है और वो क्या क्या कर सकता है। खाटू वाला हमेशा अपने भक्तों पर कृपा करते हैं, ये सच है। आपका भाव, आपका विश्वास ही आपको प्रभु के करीब ले जाता है। इसीलिए जितना ज्यादा भाव और विश्वास के साथ उनके नाम का जप करोगे, आपका कल्याण ही होगा, जिससे बाबा श्याम की कृपा आप पर होने लग जाएगी। तब आपके लोक और परलोक दोनों ही सवर जाते हैं। आज की सत्य कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप खाटू के राजा श्याम चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा श्याम भक्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी बाबा श्याम की महिमा, सत्य कहानी और चमत्कारों को सुन सकें। हारे के सहारे की जय, तीन बांध धारी की जय, सच्चे दरबार की जय, लख दातारी की जय, शीश के दानी की जय, खाटू नरेश की जय, अहिल्यावती के लाल की जय। हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, जय श्री श्याम।